three yoga poses for forearm strength. नमस्कार, जीवन कोश पर आपका स्वागत है दोस्तों. आज हम सीखेंगे वो तीन योगासन जो कि फोरआर्म की स्ट्रेंथ के लिए काफी लाभप्रद होते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो तीन योगासन. गौमुखासन. अपने मैट पर सबसे पहले आप बैठ जाइए, अपने पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए इस स्थिति में. कमर को सीधा रखिए और उसके बाद आपको अपना राइट लेग जो है नीचे की ओर लाना है. मैं आपको पहले दिखा देती हूँ क्या करना है. ये जो हील है आपकी, हील को इस तरह से आपको अपने हिप के नीचे रख देना है. बैठना नहीं है, इसको हल्का सा इधर की ओर ताकि आपकी एड़ी और हिप साथ में मिल जाए, इस तरह से आपको करना है. और ये वाला जो लेग है, दूसरा लेग, इसको इस तरह से कि आपकी नी टू नी एक दूसरे के ऊपर है. मैं आपको इसको सामने से दिखाती हूँ. पैर को इस तरह से रखते हुए ये देखिए एंगल. कई लोगों का एंगल इस तरह से होता है, वो गलत है. नी बहुत क्रॉस उसमें जा रही है या फिर बहुत ज्यादा अंदर कर देते हैं, ओवर स्ट्रेच कर देते हैं. तो इसको सिर्फ नी के ऊपर आना चाहिए, एक नी के दूसरे पैरलर में होनी चाहिए. आपकी एड़ी के ऊपर आपको हल्का सा प्रेस करना है, बैठना है और ये पैर बाहर की तरफ जितना पास हो सके उतना, और एक कंफर्टेबल पोस्चर में कमर को सीधा रखना है. ये आपका फाइनल पोस्चर है लेग के अकॉर्डिंग. अब इसमें हाथों की मुद्रा क्या है, जो लेग आपका ऊपर है वही हाथ आपका इस तरह से ऊपर आएगा और जो लेग नीचे है वही हाथ आपका नीचे की ओर. तो इस तरह से सबसे पहले आपको कोहनी को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और सीधा कर देना है, और नीचे वाला हाथ ले जाते हुए पीछे हाथ को लॉक करना है, ध्यान से आपको पकड़ना है. मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं. और आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर की ओर लगाना है. गर्दन को सीधा रखना है, गर्दन झुके नहीं, कमर झुके नहीं, और आपका जो कोहनी है नीचे की ओर ना झुके. पीछे वाला हाथ देखेंगे, अब मैं इसको पीछे से दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है ये आसन. ये आपने ऊपर हाथ किया और नीचे से इस तरह से पकड़ लिया. आपसे जितना हो सके उतना करना है. अगर आपका हाथ यहां तक आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके हाथों में अभी लचीलापन नहीं है, आप मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है आपके आर्म, तो आप बिल्कुल ओवर स्ट्रेच नहीं करना है. जितना आपसे हो सके उतना. अगर आपका सिर्फ एक ही हाथ जा रहा है पीछे की ओर तो भी आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं. अधोमुख श्वानासन. तो सबसे पहले आपको लेना है मैट, और मैट के ऊपर सबसे पहले आपको उल्टा लेट जाना है इस तरीके से, और दोनों हाथ आपके शोल्डर के पास, पैर आपके बाहर की ओर स्ट्रेच होंगे. अब एक एक करके अपने पैर को अंदर की ओर लाना है. पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे, बिल्कुल हल्का, एक इंच का. अब धीरे से ऊपर आपको पर्वतासन, मतलब से इस तरह से ऊपर की ओर हल्का सा पैरों को एडजस्ट करते हुए अपना पूरा सर नीचे की ओर इस तरह से लगाना है. आपका स्टमक अंदर रहे और सर आपको जितना आपकी स्टिफनेस, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उतना ही आपको नीचे आना है. कुछ देर रुकने के बाद आपको वापस सीधा होना है और धीरे से नीज को नीचे रखते हुए वापस से सेम नीचे पूरी तरह से आराम की स्थिति में आ जाना है. पूर्वोत्तानासन. तो सबसे पहले आपको मैट पर अपने पैरों को सीधा रखना है, दोनों हाथ आपके हिप्स के ऐसे साइड में, पैर एकदम सीधे. अब अपने हाथों को अपने हिप से हल्का से ऐसे पीछे एक इंच तक, एक फिट तक आपको पीछे ले जाना है यहाँ पर, और फिर आपको धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठाना है इनहेल करते हुए, और आपका जो पैर है जो आपको बिल्कुल तलवा है नीचे की ओर लग जाए और आपके गर्दन पीछे की ओर आपको लटका देनी है. श्वास एकदम नॉर्मल, इनहेल करते हुए ऊपर आना और ऊपर आते ही आपको श्वास छोड़ देनी है.
और फिर नॉर्मल श्वास लें, फिर धीरे से हिप्स को नीचे लाते हुए पहली वाली स्थिति में आपको आ जाना है। ध्यान रखेंगे जिन जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मतलब बिगिनर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आसन किस तरह से करना है। यहाँ पर तो अपने हाथ ठीक है, पोजिशन पूरी लेनी है, आप नीज को मतलब अर्थ पूर्वोत्तानासन कर सकते हैं। आप इस तरह से बैंड करके आपको आसन को मेंटेन करना है। पोजीशन बिल्कुल वही, इनहेल ऊपर, जितना होल्ड हो सके उतना श्वास को बाहर की ओर छोड़ देंगे और फिर धीरे से नीचे की ओर, पैरों को सामने और फिर पहली वाली स्थिति में। तो ये थे वो तीन योगासन जो कि फॉर आर्म स्ट्रेंथ के लिए लाभप्रद माने जाते हैं। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आए कि आपके काम आएगी। इसी जानकारी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।